कांग्रेस कार्यकर्ता सितारगंज में आज भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ डीएम कार्यालय की ओर कूच करेंगे। जिलाध्यक्ष हिमांशु गाबा ने कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने भाजपा सरकार पर महिला शोषण और किसान परेशानियों में वृद्धि का भी आरोप लगाया। कासगंज में लापता युवक लोकेंद्र का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। युवक कल से लापता था। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक मैनपुरी का रहने वाला था। परिजनों की स्थिति दयनीय है। घटना सोर कोतवाली क्षेत्र के गौपुरा गांव के पास हुई है। हाथरस में सड़क हादसे में एक परिवार के 17 लोगों की मौत हो गई। यूपी के सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह, फिरोजाबाद विधायक मनीष असीजा और जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और आर्थिक मदद की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री ने 2-2 लाख रुपए की सहायता की है। देखिए, बेहद दर्दनाक और दुखद घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी जी ने संज्ञान लेने का काम किया और इस दुखी घड़ी में परिवार के साथ खड़े रहने का, इस गरीब परिवार की मदद करने का निर्णय लेने का काम किया है। परिवार में हम लोगों को, माननीय विधायक जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री की ओर से उनके प्रतिनिधि के बतौर हम लोग परिवार के बीच में आए हैं। प्रदेश सरकार ने इस परिवार को आर्थिक मदद भी देने का काम किया है। 2 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री की ओर से। भदोई में नो एंट्री में खड़ी ट्रक से टकराने पर बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई। दोनों की शादी 3 महीने पहले हुई थी। हादसा प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर गोपीगंज में हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। भदोई के गांव केयरमाऊ में तहसील प्रशासन ने सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के लिए बुलडोजर चलाया। मौके पर राजस्व विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। कासगंज में महिला अधिवक्ता मोहिनी तोमर के मर्डर के मामले में पुलिस ने 3 अधिवक्ताओं को गिरफ्तार किया है और एक अन्य को गिरफ्तार किया है। इन सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इसमें नामजद है और जो वादी है, वादी के जो एविडेंस है और यह उसके आधार पर भेजा गया। इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी आगे और जारी है। बाकी जो हमारा साक्ष्यचित्रण वो कार्रवाई करना है, उसके उपरांत जो है अग्रेतर कार्रवाई इसमें करेंगे। संभल जिले के गांव शिवराजपुर में सीआर ने 4 लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें एक महिला को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने मौके पर जाकर स्थिति का मुआयना किया और अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र में स्कूटी और बस की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई। स्कूटी बस के नीचे आ गए, जिससे हादसा हुआ। यातायात व्यवस्था की खस्ता हालत के कारण यह हादसा हुआ है। उत्तराखंड के उंडरी गांव में भगवान जाख देवता और गुरु चौरंगी बीर की पौराणिक डंडा शर यात्रा और मेला आयोजित हुआ। हजारों लोग अपनी समस्या लेकर देवता के सामने पहुंचे और श्रीफल चढ़ाए। मान्यता है कि देवता के बताए दिन से पहले धान की कटाई करने पर फसल नष्ट हो जाती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। देखिए, भगवान जाग जगन्नाथ की कृपा विगत कई वर्षों से जो हमें यहाँ पर लगातार आ रहा हूँ और भगवान जाग जगन्नाथ के साथ जो जितने भी देवी देवता चल रहे हैं, उन देवी देवताओं की शक्ति को देखते हुए, जैसे कि हम अभी घर से चले पटकानी से जब हम चले तो एक बार आसमान जो है काफ़ी ऐसा लग रहा था कि बारिश का मौसम बनने वाला है, लेकिन जैसे वहाँ से भगवान जाग जगन्नाथ की तैयारी हुई उस समय से ही हमें कहीं रास्ते में जो है, ये मेरे हाथ पे छाता है, लेकिन छाते जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ऋषिकेश में चारधाम यात्रा बस कंपाउंडर में कंडक्टर भरत सिंह भंडारी का शव मिला। शव पर सिर गहरी चोटें लगी हुई हैं और चप्पल बस की छत पर मिले। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और शराब पीने वाले 2 साथियों को हिरासत में लिया और मामले की छानबीन शुरू की। देहरादून के लक्ष्मण झूला में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने बिहार के कुख्यात अपराधी रंजीत चौधरी को गिरफ्तार किया है। रंजीत पर मर्डर, लूट, रंगदारी और मर्डर के प्रयास के कई मामले दर्ज हैं। उसने पटना में खनन व्यापारी के मर्डर किया और गिरफ्तारी से बचने के लिए लक्ष्मण झूला के होटल में रुका था। पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया है। मुनि की रेती में रात को एक ई रिक्शा के ब्रेक फेल हो गए और वो पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग से टकरा गया। हादसे में ई रिक्शा चकनाचूर हो गया और चालक और एक सवारी गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें अस्पताल में भेजा गया। ई रिक्शा की पहाड़ी इलाके में अनुमति नहीं है, फिर भी चालक अवैध रूप से चला रहे हैं। मुनि की रेत में दयानंद घाट पर नहाते समय गुड़गांव का पर्यटक श्रीनिवासन गंगा में बह गया। एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर किया है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। ये गंगा में डूबने की 2 दिनों में दूसरी घटना है।
कुंभ मेले में शाही स्नान और पेशवाई जैसे शब्दों को लेकर साधु संतों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि ये शब्द मुगलकालीन है और उर्दू के प्रतीक हैं। इसके बजाय राजसी और शोभायात्रा शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस पर अखाड़ा परिषद अगली बैठक में चर्चा करेगी और प्रयागराज महाकुंभ से पहले ये फैसला लिया जा सकता है। शाही तो उर्दू का शब्द है और उर्दू हमारी गुलामी का प्रतीक है। हमें उर्दू से बैर नहीं है, भाषा है, लैंग्वेज है, वो अलग इशू है। लेकिन जो हमारी सनातन परंपरा है, जो सनातन पद्धति है, हमारी संस्कृति हमारी है, उसमें उर्दू का शब्द हम क्यों लगाते हैं? ये तब से लगाया गया, जब आपने सुना होगा, जब अकबर का नाम आपने सुना, सबने पढ़ा है, अकबर आजम, शाही सवारी उनकी होती थी, शाही दरबार उनका होता था। तो हमारा ये मानना है कि ये तभी से ये शब्द जो है तभी से ये प्रचलन में आ गया। इसीलिए हमने अब ये निर्णय लिया है, अभी हमारी जो अखाड़ा परिषद की बैठक होगी प्रयागराज में होगी, सभी अखाड़े इकट्ठे हो जाएंगे और शाही स्नान, इसको शाही हटाया जाएगा और वहाँ पे कुछ अच्छा सा, जैसे हमारी देववाणी है, संस्कृत हमारी है, हमारी हिंदी है, मातृभाषा हमारी है, उसमें इसको नाम दिया जाएगा, ये हमारा विचार है। सितारगंज के किच्छा रोड पर बड़े भाई ने छोटे भाई देवेंद्र पाल सिंह को मौत के घाट उतार दिया। दिनदहाड़े हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो पंजाब से आया था। घटना का अभी पूरा कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, पुलिस पूछताछ कर रही है। पौड़ी के एसएसपी लोकेंद्र सिंह ने जिले में अपनी सक्रियता और शक्ति से पहचान बनाई। हाल ही में एसएसपी ने कोटद्वार के एक सिपाही संजय सिंह को रिश्वत लेने के आरोप में तुरंत सस्पेंड कर दिया और जांच शुरू की। उनके इस फैसले से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एसएसपी ने सभी पुलिसकर्मियों को चेतावनी दी है कि किसी भी अवैध गतिविधि में संलिप्त पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक पब्लिक के व्यक्ति के पास द्वारा हमारे पास शिकायत आई थी कि एक कर्मचारी के द्वारा कुछ मांग की गई थी और जिसका हमने संज्ञान लिया है और उसमें कार्रवाई करते हुए तत्कालिक हमने इमीडिएटली कर्मचारी को सस्पेंड किया है और उसमें जांच बैठाई। सितारगंज में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के 60 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रामलीला मैदान में हुए इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, दीप प्रज्वलन और हवन आयोजित किए गए। परिषद के मुख्य वक्ता रणदीप पोखरिया ने भारत नेपाल सीमा, नशे, धर्मांतरण और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चर्चा की। कार्यक्रम के अंत में शोभा यात्रा निकाली गई और हनुमान चालीसा का सामूहिक वाचन हुआ।